Assalamualaikum class, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to do the reading of the remaining chapter in our tunnel. So let's start. Which line? Let me go back, cried Phyllis, struggling to get away from the hand by which Bobby held her. Don't be coward, said Bobby, it's quite safe. Stand back. Come on, shouted Peter, who was a few yards ahead. Quick, Manhoon. The roar of the advancing train was now louder than the noise you hear when your head is underwater in a bath and both taps are running and you are kicking with your heels against the bath's tin sides. But Peter had shouted for all he was worth and Bobby had heard him. She dragged Phyllis along to the manhole. अब क्या होता है कि जो फिलिस होती है वो कहती है कि मुझे वापस जाने दो और जो है बॉबी से अपना हाथ छुड़वा रही होती है. इतने बॉबी कहते हैं कि जो है बुजल मत बनो, यानी कि कोई यहाँ पे ख़तरा नहीं है, पीछे की खड़ी हो जाओ. इतने में पीटर कहती है कम ऑन, जो कि थोड़ी सी दूर ही खड़ी होती है इन लोगों से, कहती है क्विक मैन होल, यानी वो बताती है कि यहाँ पे से नाला बहता हुआ आ रहा है पानी का, पीछे हो जाओ. अब इतनी ज़ोर से वो बोल रही थी लेकिन जो ट्रेन की आवाज़ थी वो तेज़ से तेज़ होती जा रही थी और इन लोगों को किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, इतनी तेज़ आवाज़ थी, इतना ज़्यादा शोर था जैसे आप जो है टैप दोनों टैप जो है खोल दें और आप जब बाथ टब के अंदर हो और उसका शोर हो और उसके साथ साथ आपके पैर में हील हो और आप उस हील से टिन पे बार बार हिट कर रहे हो, इतना शोर था. लेकिन फिर भी पीटर जितनी ज़ोर से बोल सकती थी उसने बोला, लेकिन और फिर बॉबी ने सुन लिया और जल्दी से फिलिस को मैनहोल की तरफ से अपनी तरफ घसीट लिया.